माशाल्लाह तालिबे इल्म को पैगाम कि बनन हकीकी तालिबे इल्म और हकीकी तालिबे इल्म बनन तिन लिमन निश दीनस मस्ति आला अकदार आसन दुनियास मस्ति आला काबिलियत और खदमत खलकुक जज्बा इम करन हकीकी नमून पेश जो सकिस उम्मती मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमून गश आसन तिहुंद उम्मती बुजुर्ग क्यूत गश आसन तिहुंद उम्मती ताजिर क्यूत गश आसन तिहुंद उम्मती जमींदार अफसर मुलाजिम क्यूत गश नौजवान जिंदगी अमानत दीन इस्लाम तम पजि पाक जिंदगी गुजारें साफ जिंदगी गुजार और हम सब के इमाम और पेशवा अखर कश्मीर अमीर शरीयत रियासत जम्मू व कश्मीर मौलाना अब्दुल्ला मीर साहब दामत बरकात मुलालिया हमारी छोटी सी दावत पर कमजोरियों के बावजूद तशरीफ लाए। मैं अहले इलाका की तरफ से मुंतजमीन जामिया मस्जिद और अहले बस्ती और दारुल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपकी हुए आपका खैर मकदम करता हूँ और अल्लाह से उम्मीद है कि आपकी तशरीफ़ आवरी हम सब के लिए बाईस नजात और बाईस हिदायत होगी इंशाअल्लाह और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको नवाजा। अब्दुल अजीज बरगट कुलगाम फैसल सज्जाद उजैर सज्जाद ओ बच्चा लोग पीछे जाओ पीछे जाओ। आया कमाला आया नबी का लब पर जो जिक्र गए मिसाल आया जो गिजरे तैबा में याद बन कर मैं क्लास एट्थ में पढ़ता हूँ ये दारुल उलूम सैयदुल मुरसलीन यहाँ अंदर एक सुकून है जी। कैसे असातिज़ा है यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छी पढ़ाई करते हो आप जी। अब कैसी खुशी है आपको? मैं बहुत खुशी है। कोई खास किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फिफ्थ में। फिफ्थ में जी। और आज आप फारिग भी हो गए? जी हाँ। दुनियावी तालीम भी पढ़ते हैं आप? जी मैं सेवंथ क्लास में पढ़ता हूँ। आप? टेंथ क्लास में जी। आप? टेंथ क्लास में। आप? मैं टेंथ में पढ़ता हूँ। हाँ ख़ास बात बिल्कुल है, ये आप देख रहे हो कि आज जो दौर चल रहा है बिल्कुल क़ुर्ब क़यामत का दौर चल रहा है, तो कुरान से जो है आवाम बिल्कुल दूर हो रही है, तो मेरी यही गुजारिश है कि आप कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत बना के रखें, क्योंकि जिसका भी रिश्ता कुरान से मजबूत है वो कामयाब और कामरान है। रहीम मुझे बहुत खुशी है अपने इन साथियों समेत के हमने इन बच्चों पर जो मेहनत की और आज इनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम मरकजी जामिया मस्जिद चौगाम में मुनक्किद हुआ और उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद वहाँ जमा थी। अवामुन्नास ने हमें तावुन दिया, हमारे कहने पर हमारी अपील पर दारुल सैयदुल मुरसलीन की मदद की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ये सात हुफ्फाज़ किराम जो दारुल उलूम सैयदुल मुरसलीन ने आपके पैसों से तैयार किए हैं आपके तआवुन से, इंशाल्लाह ये आपके लिए आपके माँ बाप के लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए सदक़े जारिया का जरिया है।
आलम इस्लाम के सफ़े अव्वल के आलम दीन में से, जम्मू कश्मीर के एक बड़े आलम दीन और दारुल उलूम रहीमिया के नाज़िम आला हज़रत मौलाना रहमतुल्ला साहब तशरीफ़ लाए। उनकी तशरीफ़ आवरी पर दूसर और पूरे इलाके के लोग और कुर्ब जवार के लोग खुशी और मसर्रत का इजहार करते हैं और उनकी आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पहली मरतबा सरजमीन चौगाम जो कि बाबा नसीबुद्दीन गाजी की सरजमीन है, यहाँ तशरीफ़ लाए और दारुल सैयदुल मुरसलीन के फारिगीन में से 7 हुफ्फाज़ किराम की दस्तारबंदी की खिदमात अंजाम दी। दारुल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा मुनफरिद इदारा है कि जहाँ हिफ्ज़ कुरान करीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। हमारे यहाँ एक बच्चा फर्स्ट में आता है, 5th तक उसे हाफिज़ कराते और 5th से 7 तक उसको किरात पढ़ाते हैं और 7 से इंशाल्लाह जो है हमने मशवरा किया है कि TDC तक जो है हम मौलवी कोर्स कराएंगे और इस तरह एक बच्चा हमारे यहाँ 1st में आएगा और 12वीं क्लास तक वो 12 जमात इस मरवजा तालीम पास करेगा, TDC तक तालीम हासिल करेगा और साथ में हाफिज़ कारी और आलिम बनेगा। और ये हमारा इंशाल्लाह इरादा है और मजबूत अजायम है कि हम कौम को न सिर्फ हाफिज़ देंगे, कारी देंगे, आलिम देंगे, बल्कि साथ में डॉक्टर भी देंगे, इंजीनियर भी देंगे, प्रोफेसर भी देंगे ताकि आला ओहदों पर भी हमारे इदारों के बच्चे फायज हों और उम्मत की खिदमत में और ज़्यादा सुरात ला सके और उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके।